हेलो फ्रेंड्स तो हम कल की ही बात को आज शुरू कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि कैसे सिंपल पास टेंस का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता है हमारा टॉपिक है वर्ब्स दैट एक्सप्रेस पास्ट टेंस इसके पहले हमने देखा था वर्ब्स दैट एक्सप्रेस प्रेजेंट टेंस देखिए मैं क्या कह रहा हूँ वर्ब्स दैट एक्सप्रेस ओके और अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि वर्ब दैट एक्सप्रेसिस ये दो अलग चीजें हैं वेरी डेलीबरेटली हम इन बातों को सीखते हैं कि क्या कहा जा रहा है और उसका ग्रामेटिकल मानी क्या है सिमेंटिकल मानी क्या है एग्जैक्टली लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टूड नोन ऐसे इट मस्ट बी अंडरस्टूड वेल इट मस्ट बी नोन वेल इट मस्ट बी कॉम्प्रेहेंडेड वेल ये नहीं कि बहुत बार क्या हो जाता है हम भाषा सीखते हैं लेकिन धकाऊ भाषा सीखते हैं चलाऊ भाषा सीखते हैं कि चलता है यार समझ गया है मैं लेकिन मिस जब आप एक स्पेसिफिक स्टडी जैसे यूपीएससी की इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हो या यूपीएससी की किताबें पढ़ रहे हो उसका जो भी रिसोर्स uh, मटेरियल पढ़ रहे हो तो आपको एक्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि व्हाट यू रीड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड इज अंडरस्टूड बाय यू और ये जब मैं बात कर रहा हूं समटाइम्स आई यूज इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन डीलिंग विद यू टॉकिंग टू यू कम्युनिकेटिंग टू यू एट दैट टाइम यू शुड पे अटेंशन टू द वेरी थिंग व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू सै सो व्हेन आई सेक्सप्रेस एंड वेन आई सेक्सप्रेसिस तो सिंगुलर जब लेता हो तो मुझे सिंपल प्रेजेंटेंस की तरफ जाना पड़ता है इन विथ ईस और आई ए एस और एस और जब मैं प्लुरल फॉर्म लेता हूँ सब्जेक्ट का तो मुझे ऑब्वियसली वर्ब का जो रूट फॉर्म है विदाउट यस उसकी तरफ जाना पड़ता है so, uh, okay, so, यहाँ पर क्या दिया गया है वी ऑफ्टन वेंट टू दॉर्थ वेंट टू दॉर्थ इज टू स्पेंड आर समर वेकेशन सो वी ऑफ्टन नो वी ऑफ्टन ऑफ्टन इज टेकन ही so this often is very specifically taken here to express टेकन हि टू एक्सप्रेस bar एक्शन बार बार होने वाली जो क्रिया है, है उसको बताने के लिए इस often का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इसको सिंपल प्रेजेंटेंस में भी यूज हो सकता था कि वी ऑफ्टन गो वी usually गो वी डेली गो वी ऑलवेज गो वी ऑलवेज गो

So, this is a simple sentence, declarative sentence we call it. It rained heavily, simple past tense, right? Subject plus we to second form of the verb, past uh, tense of the verb. He ran very fast. Again, he and then run and then ran. He ran very fast. Then it didn't rain heavily last night. So this is a negative form. No, हैं. डेंट ही अप्रूव ऑफ अ प्लान सो इस तरीके से दो तीन टाइप के सेंटेंसिस का इस्तेमाल करके इनको यहाँ पर बताया गया है सॉफ्टवेयर so, के तौर पर हमारे दिमाग में भाषा का इंस्टॉल होना शुरू होना चाहिए अ कंप्लीट इंस्टॉलेशन इज पॉसिबल ओनली वैन एवरी थिंग इज डन प्रॉपरली

लेकिन सिर्फ शी अटेंडेड कैन बी अ वेरी वेग थिंग थोड़ा सा वेग हो जाती है क्या उन्होंने कल अटेंड की वो उसने बहुत पंक्चुअली क्लासेस अटेंड की और उसने हमेशा बहुत पंक्चुअली क्लासेस अटेंड की सो so दिस हमेशा इज वॉट दिस हमेशा इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज एक्सप्रेसिंग दैबिचुअल थिंग्स सी It is used in conditional sentences to express an improbable condition. This is what uh, the UPSC English grammar differs from the general grammar prescribed for high school students, for the police Bharti students, for the uh, fourth standard and seventh standard scholarship students. You know, some certain things are given here. That it is used in conditional clauses, conditional sentences. So सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि conditional sentences क्या होते हैं? The kind of sentences जहाँ पर हम if, unless इनका इस्तेमाल करकर जो sentences बनाते हैं, उनको conditional sentences कहते हैं। So there are some conditions and only after

या अनलेस ओके okay? और फिर कॉमा देने के बाद जो आगे का सेंटेंस होता है पार्ट ऑफ द मेन क्लॉज देखिए दोस्तों में डिलीबरेटली सारी बातें आपसे इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि आप एक स्पेसिफिक स्टडी के तरफ जा रहे हो और जब आप एक खास किस्म की पढ़ाई कर रहे हो तो इस खास किस्म की पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत ही बारीक बातें बहुत ही बारीकियां जिसकी है लैंग्वेज की वो पता होना जरूरी है सो so, बल कंडीशन अब यहां पर मामला बिगड़ जाएगा ठीक है, तो तो है बात भाई लेकिन कंडीशनल क्लॉज के साथ ये भी बात चल रही कि वॉट इज एन इम्प्रॉबेबल कंडीशन नाउ की एक्चुअल इम्प्रॉबेबल कंडीशन क्या है सो देर आर सर्टन कंडीशन प्रॉबेबल प्रॉबेबिलिटीज प्रॉबेबल इम्प्रॉबेबिलिटीज इमप्रॉबेबल प्रॉबिलिटीज़ एंड इम प्रबल इम प्रबलिटीज़ ऑफ माई दिस इज़ व्हाट मीन्स आई एम बेजरिंग यू आई नो मैं आपको परेशान कर रहा हूँ लेकिन ये परेशान होना अच्छे के लिए है आप सिर्फ समझने की भी कोशिश करेंगे लॉजिकल तौर पर कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबल है ऐसी प्रोबेबिलिटी ऐसी शक्यता जो बिल्कुल भी मीन्स नामुमकिन है ऐसी नामुमकिन बात जो मुमकिन हो सकती है और ऐसी नामुमकिन बात जो बिल्कुल भी नामुमकिन ही है सो देर आर दिस फोर ऑफ थिंग्स एनसोर इन एंड इन लैंग्वेज इन आर जनरल टॉक नो जैसे कि uh, मैं मर जाने के बाद तुमसे मिलूंगा you know, मैं मर जाने के बाद तुमसे मिलूंगा दिस इज वॉट इम्रॉबेबल इम्प्रॉबेबिलिटी बिकॉज साइंटिफिकली नो बडी कैन मीट एनी वन आफ्टर वन इज डाइट साइंटिफिकली इट इज नॉट पॉसिबल नॉट फिजबल नॉट प्रॉबेबल सो इट इज़ इमप्रॉबेबल एज सच लेकिन फिर बहुत सारी बातें हैं उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वरना हमारी ग्रामर की क्लास साइड में रह जाएगी और फिलासफ़ी की साइकोलॉजी की और दूसरी क्लासेस शुरू हो जाएगी जिसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है सो इमप्रॉबेबल कंडीशन को बताने के लिए यू नो लेट लेटमी हाँ इम्रॉबेबल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कोशिश करते हैं कंडीशनल क्लॉज को इस्तेमाल करने की और ऐसे कंडीशनल क्लॉज में हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस का मुद्दा आया है वर्ब में से वर्ब्स जो पास टेंस को एक्सप्रेस करते हैं सो दिस इज वॉट वेरी सिंपल थिंग एज सच कि आपको ये सारी बातें कुल मिलाकर समझनी पड़ेगी सो यू नॉट लर्न थिंग्स इन आइसोलेशन ओके कैसे देखते हैं इफ आई न्यू हिम आई वुड अप्रोच हिम इफ आई न्यू हिम आई वुड अप्रोच हिम इफ आई हैड मनी आई वुड ज्वाइन द एम टी यूनिवर्सिटी फॉर माई एम बी एफ आई न्यू हिम आई वुड ज्वाइन हिम सो वॉट इज

इम्प्रॉबेबल कंडीशन है आई वुड अप्रोच हिम नो तो यहां पर हमने सिंपल पास्ट टेंस पर यूज़ किया है वी हैव यूज सिंपल पास्ट टेंस पास आई न्यू आई हैड नो आई न्यू एंड आई हैड इमीडिएटली आफ्टर द यूज ऑफ इफ इफ के फौरन ही बाद हम सेंटेंस क्या यूज कर रहे हैं सिंपल पास टेंस उसके बाद वाला सेंटेंस है आई वुड ज्वाइन हीम आई वुड अप्रोच आई कुड ज्वाइन हीम आई कुड हैव जॉइंट हिम आई वुड हैम ये सारी बातें हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी जरूर देखेंगे लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे फिर एक बार कह दे रहा हूँ कोई भी बात ग्रामर की सिग्नल नहीं होती है इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आइज सच एज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज यूज इन देंटेंस फॉर्मे वर्ड फॉर्मेशन इन द सेम वे

वब, तो लेट द चाइल्ड फाइंड प्लेजर इन सर्फिंग द इंटरनेट एंड और बहुत सारी ऐसी बातें आप पर देख सकते हैं रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसिस ए इन द नेगेटिव फॉर्म बी इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म एंड सी इन द इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म जो हमने एक पैटर्न के तौर पर कल देखा था नो no. कैसे सेंटेंसेस देखे थे सम सेंटेंसेस वेर इन द नेगेटिव फॉर्म्स नो एक दूसरे टाइप के सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड सम आर द मिक्सचर ऑफ द टू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टगेदर कैसे देखते हैं ही अटेंडेड द प्रैक्टिस सेशंस रेगुलरली तो इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा शी डिड नाट अटेंड द प्रैक्टिस सेशंस रेगुलरली सी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंसेस दो तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट होते हैं या आपको कन्वर्ट करने के लिए कहे जाते हैं एक टाइप का सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसमें uh, सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल जाता है और दूसरे टाइप के सेंटेंस के चेंज में सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता है सिप स्ट्रक्चर बदल जाता है जो हम जनरली चेंज द वॉइस में देखते हैं नो वी सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन चेंज द वॉइस और दिरेक्टेड में भी बहुत बार ऐसी बातें हमें देखने मिलती है लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है प्रैक्टिस सेशन रेगुलरली इसका मतलब क्या है कि वो प्रैक्टिस सेशंस रेगुलरली अटेंड किया करती थी या उसने रेगुलरली प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए और यहाँ पर हमने क्या कर दिया शी डिड नॉट और शी डिडंट

और डिट सी नॉट अटेंड द प्रैक्टिस सेशन रेगुलरली का जवाब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है अगेन द सेम इस तरीके से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं सो सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज फॉर यू इट्स वेरी सिंपल बट आई विल एम्पोसाइज ऑन द सेम दैट यू शुड गिव मॉर अटेंशन टू सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स पेइंग मोर अटेंशन टू द एक्सरसाइज मोर अटेंशन बिकॉज एक्सरसाइज इज सच ए थिंग वेर यू इंट्रोस्पेक्ट Whether you have really understood things or not, कि आपको बातें समझी है कि नहीं समझी इसकी तरफ आप आसानी से जा सकते हो नो you know, you know, एक, एक बात देखते हैं हम एक एक चीज देखते हैं पास कंटिन्यूस टेंस को टूमारो देख कल देखेंगे और कल देखने के बाद हम जानेंगे कि कैसे पास कंटिन्यूस टेंस फॉर्म होता है सो पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज अनदर थिंग पास कंटीन्यूअस टेंस इज अनदर थिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसीज अनदर थिंग हर चीज़ का अपना एक अलग मीनिंग है एक अलग कॉन्टेक्स में बात होती है उसको अलग तरीके से समझा जाता है अलग इंटेंशन के साथ के साथ बात की जाती है सारी बातें आपको सीखनी है आप सीख रहे होंगे आपको जरूर पता भी होगी और बेहतर तरीके से पता करने के लिए ज़रूर आप ये सारे लेक्चर सेशंस ठीक से अटेंड करें कोई भी आपके मन में शंका हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो सो थैंक यू वेरी मच कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दीडियोज